बछवारा प्रखंड के दादोपुर पंचायत वार्ड संख्या 10 निवासी जगदीश राय के दरवाजे पर दादोपुर पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बैठक कर आने वाले त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के संदर्भ में दादोपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी के चयन को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में मौजूद बछवारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अजित कुमार राय ने कहा कि पंचायत में विकास की गंगा नहीं बह रही है, विकास के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है। कई वर्षों से पंचायती प्रतिनिधियों पर जनता भरोसा करके मतदान को करती है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि भरोसे पर खड़े नहीं उतरते। इस बार फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव है और वर्तमान मुखिया के कार्यकाल से आप लोग अवगत हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने बैठक आयोजित की है। एक नए उम्मीदवार का चयन किया है। नए उम्मीदवार के रूप में राम राय देवी का चयन आप तमाम लोगों की सहमति से किया जाएगा। आप लोग अपना मतदान देकर राम राय देवी को मुखिया बनाने का काम करें। इस बैठक में दादोपुर पंचायत के तमाम गणमान्य कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। और कुछ ये नहीं होगा कि आप समय भी दीजिएगा, हो सकता है आपको 10-20-50 रुपया 100 सेकंड खर्च भी लग सकता है, तो जिसके पीछे आप बनाइएगा कि इसके लिए हटना नहीं है, परिवहन से वोट दिलाना है, देना है। नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अनिल भाई विभिन्न वार्ड से युवा कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं। हमारे अनिल भाई बोले हैं, ये आप लोग सब समझ गए होंगे इनका कहने का तात्पर्य हुआ। हम तो पहले ही बोलेंगे, इन्होंने सबको इंडिकेट कर दिया कि मुन्ने जी पर मोहर लगा दिया। चुनाव महिला सीट है, मुखिया होगी कोई महिला, नाम बदनाम मुन्ना जी को करते। मेरे कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले हम ये चीज बता दिए, महिला मुखिया बनेगी, महिला उम्मीदवार होगी, नाम मुन्ना जी के लिए। ये चीज हम बता देना चाहते हैं। सबसे पहले ही बैठक से, बैठक में हम इस बैठक के अध्यक्षता कर रहे हमारे सभाध्यक्ष आदरणीय सम्मानित उमेश राय जी, इस बैठक के संचालन